शहबाद रामपुर में मीजल्स और रुबेला जैसी भयंकर बीमारी से बचने के लिए लगातार नगर की जनता और स्कूली छात्र छात्राओं को अभियान चलाकर जानकारी दी जा रही है। आज यूनिसेफ के बीएमसी अनुपम कंचन और राघवेंद्र पांडे के नेतृत्व में जनहित कमला ईडन गार्डन इंटर कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज और डेफोडिल जूनियर हाई स्कूल के छात्र छात्राओं ने नगर की जनता को जागरूक करने के लिए एक जागरूकता रैली निकाली। डॉक्टर के चहल ने छात्र छात्राओं को बताया कि मीजल्स रुबेला एक खतरनाक बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, परंतु यदि उसका एक टीका बीमारी होने से पूर्व लगवा लिया जाता है तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। सरकार की तरफ से यह टीका निःशुल्क लगाया जा रहा है जो 9 माह के बालक से लेकर 15 वर्ष तक के बालक और बालिकाओं को लगाया जाना है। इस टीके से किसी भी छात्र या छात्रा को डरने की आवश्यकता नहीं है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसलिए सभी को लगाना बहुत ही आवश्यक है। आज की इस रैली में विद्यालय के प्रधानाचार्य, प्रबंधक समेत स्टाफ में नजमत अली प्रबंधक, राजेश चौहान, मोहम्मद असलम, रावत जी, सौरभ भटनागर, अंकुर वशिष्ठ, सचिन सक्सेना, सुनील सक्सेना, हरेंद्र सिंह, राजपाल मौर्य आदि मौजूद रहे। आज 26 तारीख से स्कूलों में प्रोग्राम शुरू हो रहा है मेजल्स रूबेला का, जिसके अंदर वैक्सीन लगाई जाएगी 9 महीने से लेकर 15 साल तक के बच्चों को। ठीक है, तो पहला जो चरण है हमारा वो स्कूल में है, तो इसमें 15 साल तक के सभी जो स्कूल के बच्चे हैं उनको टीके लगाए जाएंगे। उसका माइक्रो प्लान तैयार हो गया और 26 तारीख से ये प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है। तो ये वैक्सीन जो लगाई जाएगी इसका कोई साइड इफेक्ट भी है? नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये पहले कई स्टेट में लगी है और अभी भी 8 स्टेट में शुरू हो रहा प्रोग्राम, तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर किसी बच्चे के वैक्सीन लग चुकी है पहले, क्या उसको भी लगवाना जरूरी है? ये सभी को, किसी अगर मान लीजिए एक दिन पहले भी लगी है तो उसको वैक्सीन लगानी जरूरी है, सभी बच्चों को लगेगी।